नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर एक ऊंचे पायदान पर उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करते हुए एक उच्च स्थान अर्जित किया है। आज उनको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो यहाँ देखने को मिल रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस का जो संगठन है, उन्होंने इनके ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया है, जो एक अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी एक प्रतिभा इनके अंदर निहित है। साथ ही हम कई वर्षों से जानते हैं और कई लोगों के माध्यम से भी आप सभी ने सुना होगा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर निहित होती है। बस जरूरत है तो अवसर को पहचान कर उस प्रतिभा को निखारने की। एक ऐसा ही अवसर बड़े अरसे के बाद इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस का जो संगठन है, उन्होंने इस बार जो बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश में किया है, वो कुछ न कुछ नया करने का उनके मन में ऐसा एहसास है, ऐसा लग रहा है कि उनका जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के तहत मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र की। तो वर्तमान में मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो तीन कांग्रेस के ब्लॉक है, मनासा, कुकड़ेश्वर और रामपुरा। तो आज हम बात करें कि जो कुकड़ेश्वर ब्लॉक कांग्रेस है, उसके अध्यक्ष पद पर वर्तमान में जिन्हें नियुक्त किया गया है, वो है ग्रामीण क्षेत्र से एडवोकेट कैलाश राठौर। कई वर्षों से धरातल पर रहकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को संजोकर रखा है। इतने ही अरसे के बाद वर्तमान समय की हम बात करें तो इनको आज कांग्रेस पार्टी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने इन्हें कई पदों पर इन्हें काबिज भी किया है। लेकिन धरातल के अगर सबसे महत्वपूर्ण पद की बात की जाए तो वो है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद, जिस पर आज इन्हें नवाजा गया है। इसी संदर्भ में हम आप उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, और वर्तमान में जो कांग्रेस की जो स्थितियाँ चल रही है, वो किस प्रकार से उन स्थितियों से उभरेंगे। आइए हम मिलवाते हैं कैलाश जी राठौर। नमस्कार। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका MP7 न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आज मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथ ही पूरे MP7 न्यूज परिवार की ओर से आपको जो कुकड़ेश्वर ब्लॉक कांग्रेस पद पर जो आपको नियुक्ति प्रदान की गई है, जो कांग्रेस ने आपको दायित्व दिया है, इसके लिए भी हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। क्या लग रहा है आपको कि आप पहले भी प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में पदाधिकारी रहे हैं और वर्तमान में आपको जो ब्लॉक कांग्रेस का जो पद से आपको नवाजा गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी, प्रभारी जी और जो मेरे से सीनियर जितने भी लीडर हैं, जिनने मुझे इस पद की जवाबदारी दी है, उसमें मंगेश जी संगई भी शामिल हैं, और इन सब लोगों का सबसे पहले तो मैं आभार और धन्यवाद करता हूं। अब जहां तक जवाबदारी की बात है, तो जवाबदारी में तो हम बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और बूथ पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और यदि बूथ अपना मजबूत होगा तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो बूथ लेवल पे काम करना है और बूथ को मजबूत करना, ये हमारी प्रायोरिटी। आगामी जो समय है, लगभग 6 माह बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, तो क्या मानते हैं आप कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे आज की जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो, इन 20 सालों में आम जनता दुखी है, त्रस्त है,
और इस पार्टी ने जनता को निचोड़ के रख दिया है और इतनी दुखी है जनता की आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। तो आज हमारा फर्ज है कि उस जनता के बीच में जाके उनको सही डायरेक्शन पे ले जाके और कांग्रेस पार्टी की ओर उसको मोड़े, ताकि आने वाली जो सरकार है कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ जो कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही हैं उसमें वो सब सहभागिता कर सके, ये हमारा प्रयास। साथ ही हम बात करें कि जो धरातली सत्य है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो चरम पर है। गुटबाजी जैसी कोई स्थितियां अभी है नहीं। पहले जो गुटबाजी का जो मेन मैटर चलता था वो अब बीजेपी में जा चुका है और अभी कांग्रेस एकजुट है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। गुटबाजी वाला अब प्रश्न कांग्रेस में नहीं बचा है। साथ ही हम बात करें कि अगर मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें और एक आप जिम्मेदार व्यक्ति है, एक अधिवक्ता भी है और अच्छे वक्ता भी प्रवक्ता भी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्रामीण परिवेश से निकल के गए तो आपका क्या रहेगा मेन प्राथमिकता के जो कार्यकर्ता जो रुटे हुए कांग्रेस से उनके लिए आपका क्या रहेगा? हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से मैं मिलने का प्रयास करूंगा और सबसे मिलूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि भाई पार्टी में अगर किसी कारण से अगर वो नाराज है तो उसको निश्चित तौर पे मनाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी से कोई नाराज़ है, लेकिन अगर कोई हुआ, हो सकता है उनकी व्यक्तिगत मेरे से नाराज़गी हो या पार्टी के किसी नेता से हो या अन्य और कोई कारण हो, तो निश्चित उनके घर जाके मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि उनके घर जाके मैं उनसे बात करूं और पार्टी में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उनको आमंत्रित करूं। साथ ही अभी आपके कार्यकाल में अभी लगभग आपको 15 दिन ही हुए है नियुक्ति हुए और आपका एक आयोजन यहाँ कुकड़ेश्वर में एक ऐतिहासिक आयोजन का भी मीडिया में देखा जा रहा है, तो क्या है पूरा कार्यक्रम? 22 मई को हमारा जिला प्रभारी जो है नूरी खान जी, जिसको कमलनाथ जी ने यहाँ का प्रभार दिया है नीमच जिले का, और नीमच जिले के प्रभार में मनासा विधानसभा में 22 तारीख को वो तीनों ब्लॉक की बैठक लेगी। तीनों ब्लॉक में कुकड़ेश्वर दोपहर 1 बजे वो यहाँ पर आएगी, उनके साथ जिला अध्यक्ष चौरसिया जी भी रहेंगे और पार्टी के तमाम नेता रहेंगे। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है नारी सम्मान, जो कमलनाथ जी ने अभी नारी सम्मान योजना को जो लॉन्च किया है उसको भी प्रचारित करना और उसके फॉर्म भी भरवाना। साथ में संगठन की बैठक जो ये प्रथम बैठक होगी वो भी प्रभारी लेगी हमारी और हम सब लोग उसमें शामिल होंगे और कांग्रेस को किस दिशा में जाना और कैसे काम करना है ये सब तय करेंगे। तो क्या माना जाए कि जो प्रथम आपका प्रयास है एक ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से कुकड़ेश्वर क्षेत्र को लेकर, कितनी संख्या इसमें शामिल होने की संभावना है? ये तो जनता तय करेगी कि कितनी संख्या आएगी। हमारा प्रयास है, मेरा प्रयास है, हम सब लोग पूरी टीम काम कर रही है, मैं अकेला नहीं काम कर रहा हूँ, उसमें पूरी टीम और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सब मिलके सब लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि आप टीम आप मीटिंग में पधारें और जो मीटिंग में उपस्थिति होगी अच्छी उपस्थिति होने की पूरी संभावना है और आप 22 तारीख को पधारें और देखें क्या स्थिति होगी। साथ ही हम बात करें कि मनासा विधानसभा क्षेत्र की जो वर्तमान की स्थिति है, जो विधायक है, आपको क्या लग रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसमें क्या परिणाम रहेंगे मनासा? देखो अभी वर्तमान में जो विधायक है उसकी तो हार निश्चित है, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल में विधायक ने जो उधम मचाया है, उधम कह सकते हैं उसको, और लोगों के साथ जो व्यवहार जिस प्रकार का किया है, किसी भी एक जनप्रतिनिधि का इस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का व्यवहार किया है, अपशब्द, अभद्र भाषा और भ्रष्टाचार की चरम सीमा, ये सारी चीज़ें जो जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, विधायक जी उन सब चीज़ों को करने में सफल रहे हैं, इसलिए जनता का मोह उनसे भंग हो चुका है। साथ ही हम बात करें कि जो आपका जो 22 तारीख का जो यहाँ कुकड़ेश्वर में एक ऐतिहासिक आयोजन जो आपके माध्यम से हो रहा है, इसके तत्पश्चात जो भी आपका जो भ्रमण चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, क्या इसके पश्चात भी पूरे आपका कुकड़ेश्वर ब्लॉक में रहेगा? देखो ये केवल 22 तारीख की मीटिंग के लिए हमारा जनसंपर्क या घूमना नहीं है, हमको तो
पार्टी ने जो प्रभार दिया है कि आप संगठन को खड़ा करो, तो उसके लिए 22 तारीख की मीटिंग तो एक माध्यम है। वैसे भी मैं हमेशा जाता हूँ, और अभी भी अगर पार्टी ने दिया तो अब थोड़ा और ज़्यादा जाने लग गया, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से मेरे जो ब्लॉग में 75-80 पोलिंगें जो हैं, उन सब पोलिंगों में मैं जा के ना एक टीम खड़ी करूं और सब लोगों को साथ लेके, पूरी टीम जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है, जो काम करने वाला व्यक्ति है उनको जोड़ने का हम पूरा प्रयास करेंगे और कांग्रेस को 2023 में शानदार वोटों से जीत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही MP7 न्यूज चैनल के माध्यम से आप इस 22 मई वाले कार्यक्रम को लेकर और कांग्रेस के लिए चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव होकर, जो जिन लोगों के दिल में जो गुहार भरा हुआ है, लोगों के आज जब हम लोग गए हैं सब ग्रामीण क्षेत्रों का, जो हम पिछले 8 दिन से दौरा कर रहे हैं, तो लोगों में एक आक्रोश है, और आक्रोश भी इतना खतरनाक है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हजारों वोटों से वर्तमान विधायक को यहाँ से हरा दे, ऐसी स्थिति है। और लोगों का जो, जैसे हम जाते हैं फील्ड में, तो लोगों का जो प्रेम कांग्रेस के प्रति उमड़ रहा है वो देखने लायक है। और 22 तारीख का जो आयोजन है, इसके लिए कोई अपील आपकी? मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पटवा मांगलिक भवन में पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही मेरी आपसे उम्मीद भी है, आशा भी है और अपील भी है।